दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार सिंह। आप देख रहे हैं मंथन एक नई सोच। दोस्तों मैं पटना से चल कर के मोतिहारी एक 200 किलोमीटर की दूरी पे दोस्तों आज हम आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिश फार्मिंग के बारे में। बहुत अच्छे तरीके से सर जो है फिश फार्मिंग कर रहे हैं और ये जो जगह है मोतिहारी में रामपुर गाँव है, प्रखंड जो है छौड़ा दानों पड़ता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे सर से कि कैसे ये फिश फार्मिंग कर रहे हैं। बहुत बड़े स्तर पे कर रहे हैं, लगभग 30 एकड़ में जो है सर का फैला हुआ यहाँ पे तालाब है और बहुत बड़े स्तर से कर रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी सर से होने वाली है, तो पूरी जानकारी होगी सर से। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले आप दीजिए। मेरा नाम अमित पटेल है, जो मेरा हैचरी रन करता है पटेल मत्स्य हैचरी केंद्र रामपुर प्रखंड छौड़ा दानो जिला पूर्वी चंपारण। सर ये फिश फार्मिंग के क्षेत्र में आप कब आए थे, और आप हमको लग रहा है कि आपके फादर ही फिश फार्मिंग के क्षेत्र में आए थे और आज आप बहुत अच्छे तरीके से पूरा बिहार में अपना जो है पूरा बिहार के क्या पूरे भारत में भी लोग आपको जानते हैं, दूसरे स्टेट से भी बहुत सारे लोग आपको जानते हैं। तो ये कैसे कैसे हुआ और कैसे ये फिश फार्मिंग की शुरुआत हुआ, इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएँ। इसके स्टार्टिंग तो पापा ने किया हुआ है। पापा ने 1985 में एमए करने के बाद उनकी जॉब नहीं लगी तो ये बिजनेस यही मछली का स्टार्ट किया और करीब 96 में इन्होंने हैचरी को एस्टेब्लिश कर दिया जो आज काफ़ी सक्सेसफुली रन कर रहा है। सर फिश फार्मिंग के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो उनको करना चाहते हैं लेकिन वो फेल हो जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉन्ड फिश फार्मिंग करते हैं, बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग करते हैं और फेल हो जाते हैं, क्या कारण है, क्यों फेल हो रहे हैं? उनका फेल होने का कारण है कि सही डायरेक्शन में काम कर नहीं होना भी। काफ़ी मछली की इसके पालने के लिए काफ़ी देखभाल की ज़रूरत होती है। सही एकदम पानी का पीएच होना चाहिए, इसका अमोनिया एकदम टेस्ट होना चाहिए, ऑक्सीजन लेवल की ज़रूरत होती है इसमें। इन सभी चीज़ों की अभाव में मछली मरने उड़ने का थोड़ा चांस रहता है। सर कैसे करें कि युवा जो भी बेरोजगार साथी हैं, अगर कैसे करें कि इसको सही ढंग से और सुचारू रूप से वो चला सके और सक्सेस एक फिश फार्मर बन सके? इसको प्रॉपर देख रेख के साथ अगर किया जाए तो इसमें सफल होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये डे बाय डे इसमें आपको केयर भी करना होता है। जैसे बताया हर चीज़ की एक छोटी छोटी एकदम लेवल पे इसको देखने की ज़रूरत होती है। इसमें छोटे छोटे बच्चे अगर रखा जाता है एकदम सही रूप से अगर देखा जाए तो सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है इसमें। अभी हम देख रहे हैं कि आपके फार्म पे मतलब फिश फार्मिंग में जो पाउंड फिश फार्मिंग है उस पर एक गेट छोटा छोटा बनाया हुआ है, वहाँ पर हमने देखा है कि गेट क्या चीज़ का है? वो जो आप गेट देख रहे हैं वो बाढ़ के टाइम में पानी ओवर जैसे ही होता है तो उसका एग्जिस्ट है, वाटर एग्जिस्ट है और वो कनेक्ट हो जाता है जा करके जो नहर वगैरह होता है उन सभी चीज़ों से। मतलब कि इसमें अगर ना पानी इसमें होना चाहिए उससे ओवरफ्लो होगा तो पानी जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसमें कौन कौन सा सर फिश आप डाले हुए हैं इस पर थोड़ा सा मतलब सब टाइप का होता है। IMC होता है जो इंडियन मेजर कार्प है, जैसे रोहू, नैनी, कतला ये है और भी कॉमन कार्प, ये सब चीज़ की मुख्य रूप से हम लोग ब्रीडिंग करते हैं। क्या लग रहा है कि कौन सा फिश फार्मिंग अगर कोई शुरुआत करना चाहता है तो कौन सा फिश फार्मिंग की स्टार्टिंग करना चाहिए उसको? इसमें IMC बताया कि IMC ही ज़्यादा मुख्य रूप से पालन किया जाता है। रोहू, नैनी और कतला ही है, लेकिन वो अलग अलग जगहों में अलग अलग तरह की पैदाइशी की जाती है मछली की, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ ब्रीडिंग जो हम लोग हैच करते हैं वो यही है, मिर्गल है, रो है, कॉमन कार्प है, ये सब ज़्यादातर लार्जर स्केल पे यही होता है। हम लोग इसको खाने में क्या क्या सर अभी आप दे रहे हैं? इसको खाने में हम लोग मेनली खल्ली देते हैं ब्रांड, और थोड़ा वगैरह भी जो वेस्ट मटेरियल होता है घर के खाने वाले चीज़ वो इसको भी साथ में मिला करके डाल देते हैं। इतने बड़े स्तर पे है सर तो कैसे मैनेजमेंट करते हैं इस पर थोड़ा सा हमें बताएं कि काफ़ी बड़े स्तर पे आप कर रहे हैं सर, तो कैसे इतना सारा मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? इसके लिए आदमी रखा गया है, इसके रखवाली के लिए आदमी है और उसका हम लोग प्रॉपर ढंग से वहीं देख रख करते हैं। हम लोग तो सुबह आते हैं और शाम को चले जाते हैं ये, और जो
मेन वर्क होता है हम लोग कर देते हैं, और रखवाली यही आदमी ही हमारा करते हैं, सब खाना खिलाना। आप स्टाफ रखे हुए हैं कि आपकी गाइडलाइन में वो काम करते हैं? जी। तो सर हमें ये बताइए कि कोई अगर फिश फार्मिंग की शुरुआत करता है तो मतलब कैसे करेगा, कैसे वो करे कि मतलब उसको सफल हो सके इसमें? ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि कितना एरिया में करना चाहता है, उसकी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट होती है, क्या अर्निंग करना है। जैसे ये 1 एकड़ से भी हो सकता है, और 15 एकड़ में भी, और 100 एकड़ तक भी आप पहुंच सकते हैं। हमारा अगला सवाल होगा सर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बायो फ्लॉग करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे पाउंड फिश फार्मिंग करते हैं। आप पाउंड फिश फार्मिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्या लग रहा है कौन सा बेहतर होगा? जो भी युवा जो बेरोजगार हैं वो करना चाहेंगे तो कौन सा बेहतर लग रहा है आपको कि करना चाहिए? अब मछली पालन तो ये भी कृषि ही है, और जो धान गेहूं वगैरह जो आप लोग करते हो वो भी कृषि ही है, लेकिन मछली पालन में इसका बेनिफिट धान गेहूं के रेशियो में ज़्यादा है। तो ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि क्या करना सही रहेगा, इसके लिए मछली पालना ज़्यादा अच्छा ही होगा, पाउंड फिश फार्मिंग ही बेहतर होगा सर। तो पाउंड फिश फार्मिंग में सही जो है जगह का भी अपना मिल जाता है कि पूरा स्पेस मिल जाता है खुले में घूमने का एकदम मछली को, क्या घूमने के लिए? नहीं, वो एरिया ज़्यादा रहता है तो मछली के लिए ग्रोथ का चांस तो ज़्यादा रहता ही है। वो एरिया तो एकदम काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है ही है मछली को पालने के लिए। तो इसमें जितना एरिया रहेगा मछली का उतना वजन ज़्यादा रहेगा, और उसका। तो सर आप हैचरी भी लगाए हुए हैं, तो बहुत सारे किसान हैं जो यहाँ से जुड़ करके अपना काम भी कर रहे हैं। जो भी किसान नए जो किसान होंगे वो जुड़ना चाहेंगे आपसे, कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे वो आपसे जुड़ करके वो भी अपना लाभ ले सकते हैं आपसे? ये तो हमारा हैचरी काफ़ी पॉपुलर है, ये लगभग ऑलमोस्ट बिहार में सब लोग को पता है ही है, फिर भी और नंबर वगैरह सब दे देंगे उसे, आप लोग वहाँ से भी फोन करके सीड ले सकते हैं। फरवरी से लेकर के अगस्त महीने तक इसकी ब्रीडिंग होती है, स्टार्टिंग से कमन कार्प होती है, और लास्ट तक जाते जाते ये कतला वगैरह सब निकलता है यहाँ। ट्रेनिंग का भी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है क्या सर? ट्रेनिंग इसमें मुख्य रूप से वही देखभाल के लिए भी वही होता है, तो हम लोग नॉर्मली बता ही देते हैं, और उसको डे बाई डे इसमें केयर की जरूरत होती है। ट्रेनिंग वही कुछ दिनों में बताने के बाद वो सब अपना किसान लोग समझ जाता है करना क्या है, और धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद उनका अनुभव हो जाता है, और फिर वो अपना वो संभाल लेते हैं। क्या मतलब 1 एकड़ में अगर कोई रेशियो अगर 1 एकड़ का लेकर के चलता है, 1 एकड़ में अगर कोई करना चाहता है तो क्या उसको बेनिफिट होगा? 1 एकड़ में ये अलग अलग मछली पे निर्भर करता है, 1 एकड़ में फिर भी 30-40 क्विंटल फिश हो जाना चाहिए 6 मंथ में। क्या रेट मिलता है सर यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं जो भी, तो क्या रेट मिलता है? जो भी किसान भाई अगर करेंगे तो किस रेट में सेल करेंगे, क्या रेट मिलेगा उनको? लोकल पे डिपेंड करता है, ये मछली की साइज़ पे भी डिपेंड करता है, और सीड के टाइप पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका रेट चलता रहता है। तो ये कोई एक फिक्स रेट नहीं है, अलग अलग टाइप्स की मछली है, अलग अलग उसका रेट भी है। कोई अगर यहाँ से लेकर के शुरुआत करना चाहे कि रोहू कतला नैनी अगर किसी तरीके का भी उसको सीड्स की आवश्यकता है तो ले सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल, यहाँ से अवेलेबल रहता है, अभी भी है, और यहाँ 12 महीने ही ये काम चलता रहता है। 12 महीने कहाँ कहाँ आप सप्लाई करते हैं सर? और जैसे अगर यहाँ से आप मोतिहारी में हैं अभी, अगर कोई वैशाली ज़िला का हो या फिर कोई पटना ज़िला का हो अगर कोई लेना चाहे, या फिर दूसरे स्टेट के लोग भी अगर लेना चाहेंगे तो क्या वहाँ पे यहाँ से भेज सकते हैं? यहाँ से नेपाल भी नज़दीक बॉर्डर है, नेपाल भी यहाँ पे लोग लोकल होते हैं जो आसपास, नेपाल में भी काफ़ी मछली का प्रचलन है, वहाँ भी भेजते हैं हम लोग, और आसपास जैसे मोतिहारी हो गया, हाजीपुर हो गया, वैशाली, सीतामढ़ी, इन सब जगहों पे एकदम बड़े पैमाने पर यहाँ से सीड की सप्लाई हम लोग करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका अनुभव हमारा हौसला बढ़ा सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। नमस्कार, जय हिंद।